गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट में विद्यार्थियों का प्रेजेंटेशन है और एमएड के स्कॉलर्स यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल पे इन्होंने मॉड्यूल बनाया है, जिनका प्रेजेंटेशन मेरे एमएड के स्कॉलर यहाँ पे अपनी वीडियो और पीपीटी प्रेजेंट करेंगे और अपने अनुभव को शेयर करेंगे कि उन्होंने मॉड्यूल बनाते समय किन परेशानियों को या किन चीज़ों को फेस किया है। और मैं बुलाना चाहूँगी हिमांशु गोस्वामी को, वह अपना पीपीटी प्रेजेंट करें, मॉड्यूल प्रेजेंट करें कि उन्होंने कौन से स्तर का मॉड्यूल बनाया है। तो हिमांशु गोस्वामी, वेलकम। थैंक यू मैम। स्टार्ट है मॉडल। जैसा कि सभी को विदित है कि हमारे एमएड प्रथम वर्ष में मॉड्यूल्स प्रिपेयरिंग कराया गया था और जिसमें सभी बच्चों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। तो जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ टू ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें जो हमारी रूपरेखा है, जो जैसे मान लिया जाए मेरा टॉपिक, मैंने बीएड टॉपिक लिया था और बीएड के बेस पर मैंने अपना यहाँ पर इस मॉड्यूल्स को तैयार किया था। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, जो इसकी रूपरेखा है, एम, ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग, आउटलाइन ऑफ टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, टाइमलाइन, टाइटल, कंटेंट, मटेरियल, आउटकम्स, जो हम इस मॉड्यूल्स के अंतर्गत अपने चीजों को बताएंगे। तो मॉड्यूल फर्स्ट था एक्सपोनेंट प्रोजेक्ट परियोजना की खोज। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना इंट्रोडक्शन पर आते हैं। किसी भी मॉडल्स को तैयार करने से पहले हमें अपने इंट्रोडक्शन, उसकी प्रस्तावना, उसकी रूपरेखा को जानना होता है कि आखिर प्रस्तावना में क्या चीजें कही गई हैं। तो शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है और यह कार्य जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि हर तरह राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता तथा मौलिक संपदा शिक्षण संस्थाओं में देखी जा सकती है। इस संपदा को हम कितनी दृढ़ता से सुरक्षित रखते हैं, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण से तात्पर्य उन नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रावधानों से है जो शिक्षकों को कक्षा, स्कूल और व्यापक समुदाय में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल को जोड़ने के लिए किए गए हैं, जो भावी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में संलग्न होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिए व्यवस्थित शिक्षा ही परम आवश्यक है। शिक्षा माता की भांति पालन पोषण करती है, पिता की भांति उचित मार्गदर्शन द्वारा अपने कार्यों में लगाती है तथा पत्नी की भांति सांसारिक चिंताओं को दूर कर प्रसन्नता प्रदान करती है। अर्थात शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। मुदालेर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, विविध पाठ्यक्रम अपनाने की सिफारिश की थी, फलस्वरूप विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे मानवीय विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, इन सभी में हम जो अपने शिक्षा के तहत जिन चीजों को का समावेश करते हैं, जिन चीजों को हम अपने इस क्राइटेरिया में लाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। शिक्षण एवं शिक्षार्थियों के मध्य कक्षागत परिस्थितियों में एक ऐसी अंतःक्रिया को जिसके द्वारा शिक्षक अपने गहन ज्ञान तथा संप्रेषणी कुशलता के आधार पर संबंधित विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों को आत्मसात कराने के लिए सक्षम हो, शिक्षण कहते हैं। शिक्षा व्यक्तिकरण तथा सामाजिकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पूर्ण विकसित कर समाज उपयोगी बनाती है, ताकि व्यक्ति का अपने समाज में एक अपना ऊंचा दर्जा प्रदान कर सके, एक गुरु का पद हासिल कर सके दूसरों को मोटिवेट करने में। शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं, जैसा कि विदित है आप सभी को, जैसे प्राथमिक स्तर ये आधारभूत शिक्षा का कार्य करती है, माध्यमिक शिक्षा स्तंभ शिक्षा का कार्य करती है, विश्वविद्यालय शिक्षा छत का कार्य करती है, विशेष शिक्षा छत के ऊपर इमारत का कार्य करती है। अब बात आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एम। एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या किसी भी, अगर हम किसी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पहले नोट करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीएड मॉड्यूल्स के तहत आप कुछ करके हासिल करने की उम्मीद रखते हैं तथा एक भावी शिक्षक, शिक्षक के रूप में अपने आप को एक परिशिष्ट करते हैं कि आने वाले 2-3 साल बाद आप क्या अचीव करते हैं,
ये एम होता है। गोल या एम को छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। हमें ऑब्जेक्टिव को फाइंड करना होता है, जैसे सिलेबस को फाइंड आउट करना, सिलेबस में तथा सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट होंगे, कौन सी बुक हमें हमारे लिए अचीव रहेगी। सबसे पहले हम उस समावेशी को अपने पास रखते हैं कि हमें इस प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए क्या चीजों की जरूरत होगी, किससे हम अपनी तैयारी कर सकें। प्रिपेयरिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उद्देश्य को कक्षा कक्ष शिक्षण में किस तरह से प्रभावी करें कि हम जिससे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। माना हमारा उद्देश्य है दूर पेड़ में पका हुआ आम पकड़ना। ये क्राइटेरिया, ये खुद से लिखा हुआ क्राइटेरिया है कि एक हम कैसे अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमें आवश्यक हेल्प सामग्री को सोर्स मानते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से सीढ़ी के अंत छोर में पहुंचने पर हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी तथा हम उस पके हुए आम तक पहुंच जाएंगे। माना उच्च माध्यमिक स्तर विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण चरण है। इस स्तर के बाद छात्र भविष्य के में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि बनने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हो जाता है। इनमें से कुछ छात्र कार्य जगत में से मैं भी जुड़ जाते हैं। अतः तो इस स्तर पर ही विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा व कला आदि विषयों की संरचना से अवगत कराया जाना चाहिए। माना इस परियोजना प्रोजेक्ट में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें विद्यार्थियों को एक भावी शिक्षक के रूप में तैयार करना तथा एक अच्छा वक्ता के रूप में तैयार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखना होता है। जो हमारा ये बीएड प्रिपरेशन मॉड्यूल्स है, इसमें हमें एक अच्छा वक्ता, हम एक अच्छे वोकेबलरी का कैसे हम निर्माण कर सकें, हम कैसे समाज को अपने गुरु के माध्यम से परिशिष्ट कर सकें। फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जानने से पहले हमें संगठन ऑर्गेनाइजेशन को जानना आवश्यक होता है। एक संगठन को प्रभावी रूप देने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। संगठन जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन है। अंग्रेजी भाषा शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय है देह के ऐसे टुकड़ों से है जो परस्पर इस प्रकार संबंधित है कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह मानव शरीर की समस्त कार्यवाही का संचालन मानव मस्तिष्क द्वारा होता है, उसी प्रकार एक व्यावसायिक संस्था भी विभिन्न विभागों में विभक्त होती है, जैसे क्रय, वित्त, कर्मचारी आदि विभाग। इसी तरह संगठन वास्तव में वह तंत्र है जो लोगों में एक साथ रहने की सामर्थ्य पैदा करता है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें, संगठन ऑर्गेनाइजेशन मान ले जाए, अगर हमें अपना एक स्कूल खोलना है, एक विद्यालय का निर्माण करना है, एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा आपको, अगर हमें अगर मान ले जाए प्राइवेट कॉलेज खोलना है, तो उसके लिए हमें संगठन किस किन 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 चीजों को वहां पर रखने की आवश्यकता है। आपको पता है प्रिंसिपल्स हो गया, उससे ऊपर प्रबंधक हो गया, उनके नीचे जो हमारे शिक्षक हो गए, उनके नीचे जो कर्मचारी हो गए, किस प्रकार से हमारा संगठन कार्य करता है ताकि हम स्कूल को अच्छे से चला सकें। संगठन के उद्देश्य पारस्परिक नियंत्रण, समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठना। जिस प्रकार जहाज में कैप्टन का मुख्य स्थान होता है, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के रूप में टीचर ट्रेनिंग विद्यालय या इंस्टीट्यूट में प्रधानाचार्य का मुख्य स्थान होता है। प्रधानाचार्य समन्वय स्थापित करते हैं और समुचित संस्था के संतुलित विकास को निश्चित बनाता है। विद्यालय संचालन का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रधानाध्यापक तभी सफल हो जाता है जब वह छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करे। घड़ी के लिए जितना मुख्य स्प्रिंग का महत्व है, मशीन के लिए चालक चक्र का, वाष्प चलित जहाज के लिए इंजन का उतना ही महत्व है। अगला पॉइंट आता है हमारा आउटलाइन ऑफ टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। इसमें टाइमलाइन की जो मेरी समयावधि रहेगी, प्रिपेयरिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन 2 ईयर टाइमलाइन। 2 वर्षीय ट्रेनिंग में परियोजना प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों में अपने 2 वर्षीय कार्यशाला में प्रस्तावित रूपरेखा का विस्तृत समयारूप वर्णन किया गया है, जो इसका टाइटल है, प्रकरण है प्रिपेयरिंग मॉडल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन 2 ईयर प्रोग्राम। कंटेंट जो मेरी विषय वस्तु है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बीएड 2 ईयर प्रोग्राम में परियोजना प्रोजेक्ट में बच्चों द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया तथा बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया, उसकी 2 वर्षीय समयारूप पाठ्यरूप। अगला आता है मेटेरियल, आवश्यक सामग्री, रिसोर्स पर्सन एंड व्हाइट बोर्ड एंड सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम से तथा शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सामग्री, श्यामपट्ट एवं विधि प्रविधि में प्रयुक्त यूज मॉडल का समावेश तथा चित्र के माध्यम से परिपूर्ण। आउटकम्स हैं इसके, जो हमें प्रिपेयरिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीएड इन 2 ईयर प्रोग्राम में
हमने 2 वर्षीय बीएड के दौरान जो सीखने को मिला तथा विद्यार्थियों को इन 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में जो सिखाया तथा जिससे हम एक भावी शिक्षक के रूप में चुने गए तथा साथ ही एक एक नागरिक एवं अच्छे वक्ता के रूप में चुने गए। मॉड्यूल फर्स्ट मेरा स्टार्ट होता है एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट, परियोजना की खोज, अन्वेषण करना, जानना या पता लगाना। इस परियोजना के तहत, इस परियोजना की खोज के तहत हम बच्चों को अन्वेषण करने होगी तथा बच्चों को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है उसे एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखा जाता है। इस परियोजना की खोज करने के लिए बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिनकी समयावधि कुछ निश्चित होती है तथा इनमें विभिन्न विधियों, प्रविधियों तथा आवश्यक सामग्री जो कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य हेतु अपनाई जाती है तथा अंत में इस परियोजना कार्य को सीखने में क्या परिणाम रहे मुख्य बिंदु को लिया जाता है। ड्यूरेशन, प्रथम समयावधि मेरी 2 मंथ की, क्योंकि आपको पता है बीएड 2 ईयर का होता है तो मेरी प्रथम जब हम स्टार्ट करेंगे 2 ईयर से आने से पहले हमें अपनी समयावधि उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो फर्स्ट ड्यूरेशन रही मेरी 2 ईयर की। 2 ईयर के माध्यम से इस बीएड प्रिपरेशन मॉड्यूल को हम सब जानेंगे कि 2 ईयर में हमने क्या सीखा। मेथोलॉजी, विधि, प्रविधि, इस बीएड पाठ्यक्रम में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 वर्षीय में इस प्रोजेक्ट में हमने निम्न विधियों को शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन सबसे पहली विधि जो हम इसमें डिनोट करेंगे वो आती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का तात्पर्य किसी कार्य को करके दिखाने की कुशलता से होता है। यह शिक्षण कौशल प्रशिक्षण की परंपरागत विधि है तथा इसमें अध्यापक विद्यार्थियों को किसी टॉपिक पर क्रिया द्वारा या प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। ये विधि टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें अध्यापक एक विषय पर बच्चों के सामने एक प्रैक्टिकल प्रोसेस के तहत कुछ चीजें समझाता है। यह शिक्षण कौशल मनोवैज्ञानिक कल्पनाओं एवं व्यवहार कुशलता के दौरान प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि में बच्चों के सामने प्रैक्टिकल एपरेटस के बड़े रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगली विधि आती है व्याख्या विधि। आप सब जैसे बीएड में बीएड मॉड्यूल्स बनाने के तहत हमने बच्चों में हम किस किस विधि के तहत बच्चों को समझाएं जिससे उनके इस मॉड्यूल को जानने में आसानी हो, तो सेकंड विधि आई व्याख्या, व्याख्या विधि। व्याख्या शब्द का अर्थ सरल अथवा स्पष्ट से, जैसा कि नाम से विदित है व्याख्या, किसी चीज की व्याख्या करना। अब होता क्या है मॉड्यूल्स के माध्यम से अगर हम किसी चीज को अगर पढ़ के अगर बच्चों के सामने अगर रखें तो बच्चे इस व्याख्या विधि के तहत कुछ ही चीजों को जान पाते हैं। तो इस कौशल रचना द्वारा प्रयुक्त विषय सामग्री में निर्मित जटिल एवं कठिन बातों की इस प्रकार अच्छी तरह स्पष्ट रूप में व्याख्या की जाती है कि विद्यार्थी उसे सरल एवं सहज रूप में ग्रहण कर सके। अगला आता है मेटेरियल। मेटेरियल, मेटेरियल में सामग्री क्या क्या प्रयुक्त होगी। इस परियोजना में प्रोजेक्ट कार्य के तहत आवश्यक सामग्री जैसे शामपट, मॉडल, संकेतक, चाक आदि। लर्निंग आउटकम, सीखने के क्या परिणाम रहेंगे इस 2 मंथ में। इस प्रोजेक्ट कार्य को सीखते हुए विद्यार्थियों में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बताए गए विषय वस्तु में जो व्याख्या विधि एवं प्रदर्शन विधि में से प्रदर्शन विधि बच्चों द्वारा आवश्यक सामग्री जिससे बच्चों को उस विषय वस्तु कंटेंट को करके दिखाया गया। परिणाम के तहत इस प्रोजेक्ट में प्रदर्शन विधि अधिक सफलता मानेगी। आप सभी को पता है अगर हम किसी भी चीज को करके दिखाएं, अगर प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाएं तो बच्चों के समझ में जल्दी से आसानी से आती है। मॉड्यूल 2 आता है टिप्स टास्क फॉर टीचर। इस परियोजना प्रोजेक्ट में अध्यापक के लिए टिप्स टास्क के तहत वर्कशॉप एवं सेमिनार के तहत बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार स्लाइड एवं प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया एवं दिखाया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण के तहत टिप्स एवं टास्क के माध्यम से समय समय पर बच्चों को प्रश्न पूछने एवं खेल, मनोरंजन एवं वार्तालाप, डिबेट के तहत इस परियोजना प्रोजेक्ट को और अधिक प्रभावी बनाया जाता है। अगली ड्यूरेशन आती है, समयावधि आती है 4 मंथ की। तो 4 मंथ में आप जो मेथोलॉजी है, विधि है, तो इसमें 2 विधि हम डिनोट करते हैं। सबसे पहली विधि आती है डिस्कशन मेथड, देन सेकंड विधि आती है क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। अब डिस्कशन, डिस्कस कैसे करेंगे, जैसे मॉड्यूल में हम किसी टॉपिक का हमने चयन कर लिया तो बच्चों के सामने उस टॉपिक बेस पर हम डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे होता है, इसमें हम क्या चीजें ऐड कर पाए या बता पाए, क्या चीजें जोड़ पाए, जिससे हम डिस्कस करके बच्चों के सामने इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगली विधि आती है क्वेश्चन आंसरिंग मेथड। क्वेश्चन आंसरिंग मेथड जैसा कि प्रश्न से ही विदित है कि क्वेश्चन आंसरिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने क्वेश्चन पूछते हैं, उस विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थी अपने अपने क्रियाओं द्वारा अपने आंसर के माध्यम से इस मॉड्यूल में उस आंसर को समावेश कर सकें। अगला मॉड्यूल आता है मॉड्यूल नंबर 3, व्हाट डू माय स्टूडेंट वांट टू लर्न दैट रिलेट्स टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से संबंधित विषय वस्तु से विद्यार्थी क्या सीखा।
एक शिक्षक को शिक्षण रणनीति तैयार करते समय यह निर्णय लेता है कि मेरे द्वारा कराया गया प्रोजेक्ट परियोजना कार्य को बालक किस तरह से समझता है। सीखने वाले की इच्छा या आशय किसी वस्तु या स्थिति को ज्ञात बनाता है तथा बच्चा जैसे ही अपने इंद्रिय द्वारा वस्तु के रंग रूप या स्वाद को पकड़ने की इच्छा से आकर्षित होता है, उसे उस वस्तु का अनुभव होता है। इस तरह बच्चा जब अपने संज्ञानात्मक विशेषताओं के साथ वस्तुओं से अंतःक्रिया करता है, उस वस्तु के बारे में अपनी धारणा बनाता है, तो ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्रोत। अध्यापक द्वारा किसी वस्तु का चुनाव करने के उपरांत जिसे अध्यापक ने बड़ी रुचि से पढ़ाया है, उनमें कौन से ऐसे सैद्धांतिक पक्ष होंगे? तो आप सभी को पता है, जैसे अवधारणा, अनुभव, कौशल और सूचना, इन चार चीजों का महत्वपूर्ण स्थान होता है अपने इस अध्यापक शिक्षा में की रुचिकर को बढ़ाने के लिए। अगली ड्यूरेशन समयावधि आएगी 6 मंथ की। अध्यापक द्वारा इस परियोजना प्रोजेक्ट में 6 मंथ की अवधि के उपरांत बच्चों ने निम्न विधि एवं प्रविधि के अनुसार अपने संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक भावों को अपने अनुसार व्यक्त किया, जिससे बालक का सोशल एवं थिंकिंग ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला इसमें जो आएगा पॉइंट, मेथोलॉजी विधि क्या क्या हम प्रयुक्त करेंगे। अध्यापक द्वारा इस परियोजना प्रोजेक्ट में 6 मंथ की अवधि के उपरांत बच्चों ने निम्न प्रविधि एवं विधि के अनुसार जैसे लेक्चर मेथड एवं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अध्यापक द्वारा सीखने का प्रयास किया, जिससे बालक को अपने इस प्रोजेक्ट कार्य को करने में सफलता प्राप्त हुई। सीखने के क्या परिणाम हुए? हमें 6 मंथ की अवधि में जो विधि प्रविधि का हमने प्रयोग किया, बच्चों को उस विधि के तहत सीखने के क्या परिणाम बच्चों के सामने प्रयुक्त हुए, क्या बच्चे 6 मंथ की अवधि में क्या सीखे। इस 6 मंथ की अवधि में बालक विद्यार्थी को अपने इस परियोजना प्रोजेक्ट को सीखने में आसानी प्राप्त हुई तथा बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। मॉड्यूल नंबर 4, टीचिंग एवरेजेस फॉर यूनिट लेसन प्लान। अब लेसन प्लान की बात करते हैं। एक पार्ट योजना, सपोज दैट, इस पार्ट योजना को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर हम लेसन प्लान किसी भी विषय की पार्ट योजना बनाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की पार्ट योजना बनाते हैं, चाहे हम हिस्ट्री से ले लें, चाहे हम जीव विज्ञान से ले लें, चाहे हम हिंदी से ले लें, तो पार्ट योजना इस इकाई विधि के शिक्षण पर टीचिंग मेथड ऑफ यूनिट, इस शिक्षण पर में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित विषय की जांच की जाती है। इसके विधायक चर्चा, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न आदि। अध्यापक ने बालकों को जो कुछ प्रोजेक्ट पढ़ाया, उसे अपने अभ्यास प्रयोगशाला एवं विभिन्न टीचिंग एवरेज के माध्यम से अपनाया गया। सम क्लास रूम मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो अलग अलग मेथड्स हैं जिन विधि का हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हमने कुछ विधि यहाँ पर अपनाई ताकि जो विधि बच्चों को अच्छे से समझ में आई। जैसे आपको पता है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें एक विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, उसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि समस्या सॉल्विंग, समस्या समाधान क्या विधि है। कक्षा शिक्षण में विभिन्न टीचिंग एवरेजेस फॉर, जैसे एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड असाइनमेंट मेथड का प्रयोग किया गया तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। अगली विधि हमने जो यहाँ पर प्रयुक्त करी, वो करी असाइनमेंट मेथड। अब बच्चों को हम असाइनमेंट घर के लिए क्या वर्क दें कि बच्चे इस टॉपिक बेस में कुछ चीजें नोट करके लाएं। बच्चों को इस प्रोजेक्ट परियोजना कार्य करने से पहले कुछ असाइनमेंट वर्क दिया गया तथा जिससे इस प्रोजेक्ट वर्क को विभिन्न टीचिंग मेथड्स के माध्यम से बच्चे समझ सके। अगला कंटेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द रिसोर्स अवेलेबल फॉर द थीम ऑफ यूनिट प्लान। आउटलाइन क्या है, जो हमारी पार्ट योजना थी उसकी हम पहचान, किस माध्यम से हमने रिसोर्स पर्सन जो हमने प्रयुक्त करे थे उनकी कैसे पहचान करें। अगली अवधि ड्यूरेशन 1 ईयर की, 1 ईयर समय अवधि यूनिट प्लान को देखते हुए हमने प्रोजेक्ट परियोजना कार्य में बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए रिसोर्स की पहचान के माध्यम से बताया गया। अगला सेकंड पॉइंट आता है इसमें मेथोडोलॉजी, विधि प्रविधि। विधि या प्रविधि में डिस्कशन मेथड एंड लेक्चर मेथड के माध्यम से 2 विधियों को चयनित किया गया है। डिस्कशन मेथड के माध्यम से बच्चों में वार्तालाप के जरिए कितना बच्चों ने सीखा तथा वे अपने आप में इस परियोजना प्रोजेक्ट की तथा पहचान कर पाए, किस तरीके से हम इस डिस्कशन मेथड को अपने इस 1 ईयर कार्यकाल में प्रभावी कर पाए। अगला मेथड आता है लेक्चर मेथड। व्याख्या विधि के माध्यम से बच्चों में इस परियोजना प्रोजेक्ट के तहत पूरे समावेशी परियोजना में देखने को मिला। मेटेरियल जो है, इसमें बच्चों के सामने कोई प्रभावी स्रोत देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो विधि यहाँ पर प्रयोग की गई थी वह एक संपूर्ण समावेशी विधि थी। अगला आता है लर्निंग आउटकम्स, सीखने का परिणाम। लर्निंग आउटकम्स में पूरे परियोजना प्रोजेक्ट में बच्चों में विभिन्न प्रकार की विधि से लेकर बच्चों में सामाजिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ, वे इस प्रोजेक्ट को आसानी से समझ पाए। अगला जो लास्ट मॉड्यूल आता है हमारा, मॉड्यूल नंबर 5, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ
लेसन प्लान, पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण। जैसे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको एक पैराग्राफ में वहां पर डिफाइन करना होता है, उनमें ऐसी बातों को बताना जो बातें आप इस प्रोजेक्ट में कर चुके हैं। कंटेंट, टीचर प्रेजेंट लेसन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। एक पाठ योजना एक शिक्षक के निर्देश के पाठ्यक्रम या एक पाठ के लिए सीखने की गति का विस्तृत विवरण है। कक्षा अधिगम का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक द्वारा एक दैनिक पाठ योजना विकसित की जाती है। रणनीति कार्यान्वयन को दो प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रणनीति का निर्माण करते हैं, उसके बाद रणनीति का कार्यान्वयन करते हैं, फिर अपने कार्य के अनुसार हम रणनीति को आगे बढ़ाए जाते हैं। ड्यूरेशन 2 ईयर समयावधि बीएड के कार्यकाल में, आपको पता है कि बीएड 2 ईयर का होता है। अब 2 ईयर कार्यकाल में हम पहुंच चुके हैं कि अब 2 ईयर हमारा मॉड्यूल कैसे कंप्लीट होगा, हम इस 2 ईयर में किन किन चीजों को समावेश करें, क्या हमारा फीडबैक, क्या हमारी इवोल्यूशन इस 2 ईयर समयावधि में आई। 2 ईयर समयावधि के उपरांत टीचर प्रेजेंट लेसन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। रणनीति कार्यान्वयन में जो इस परियोजना प्रोजेक्ट में अपनाई गई इस समयावधि में विद्यार्थियों में तथा परिणाम देखने को मिला, क्या विद्यार्थियों द्वारा इस परियोजना प्रोजेक्ट को सफलतम रूप दिया गया, इसमें विधि इस परियोजना में जो विधि प्रयुक्त की गई उनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिनमें से बच्चों को न आई हो, या उन सब विधि विद्यार्थियों के समझ में आ गई हो। डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, हम तीन विधियों का आगे चर्चा कर चुके हैं। मेटेरियल सामग्री, जो विधियां प्रयोग में लाई गई वे उपकरण आवश्यक सामग्री के तहत इस परियोजना प्रोजेक्ट को प्रभावी सिद्ध हुई। लर्निंग आउटकम, सीखने के क्या परिणाम रहे। मॉड्यूल नंबर 5 में जो हमारा लास्ट मॉड्यूल था, अंतिम मॉड्यूल में इवोल्यूशन करके देखने पर पता चला कि बच्चों में से सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्षों का प्रभाव पड़ा। अगला आता है इसमें इवोल्यूशन मूल्यांकन, विद्यार्थी कहां और किस प्रकार प्रगति कर रहा है। यह जानकारी शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण और विद्यार्थी द्वारा प्रभावी अधिगम का मूलभूत तत्व है। इसके अतिरिक्त शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक अथवा विकासशील होना चाहिए। यह मूल्यांकन शिक्षण क्रिया का अभिन्न अंग है। जो अगला फीडबैक का क्राइटेरिया था, वो फीडबैक क्राइटेरिया है, फिर पृष्ठपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनकी कमियों, गलतियों तथा त्रुटियों से अवगत कराया जाता है ताकि छात्र उन्हें सुधार सके। अब कैसे हम अपने पृष्ठपोषण फीडबैक, कैसे इस 2 ईयर मॉड्यूल्स में हम क्या फीडबैक अपने आप अनुसरण कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को फीडबैक मिल रहा है कि वो यहाँ पर वार्तालाप की गई है। साथ ही इस प्रक्रिया में छात्रों की अच्छी विशेषता है, अच्छा कार्य, उनके गुणों तथा उनकी अच्छाइयों का भी विवरण दिया जाता है। ये हमारे अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। पृष्ठपोषण देते समय शिक्षक को एक आलोचनात्मक का शिकार होना पड़ता है। इस परियोजना प्रोजेक्ट में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को लिखित एवं मौखिक दोनों रूप में पृष्ठपोषण दिया जाता है। ये हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उसको इफेक्टिव कैसे हम प्रभावी बना सके पृष्ठपोषण के माध्यम से देखने को मिलता है। सीखने वाले को उत्साहित करने के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि, कैसे हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकें, किस तरीके से वो अपने इस पृष्ठपोषण को एक अच्छा रूप दे सके। अधिगम के समय विद्यार्थी समस्त कुछ पृष्ठपोषण विद्यार्थी की इस परियोजना पृष्ठपोषण को करते समय रुचि जागृत हो। पाठ योजना का निर्माण, आपको पता है सूक्ष्म शिक्षण को नोट करने से पहले, सूक्ष्म शिक्षण को जानने से पहले जो हम माइक्रो टीचिंग हम प्रोसेस करते हैं उसमें किस प्रकार से फीडबैक रिसाइकिल के रूप में चलता है, किस प्रकार से प्रथम फीडबैक हम देते हैं, उसके बाद द्वितीय फीडबैक, देन तृतीय फीडबैक। तो ये प्रिपरेशन ऑफ मॉड्यूल यहाँ पर कंप्लीट होता है। बीएड बेस में मैंने ये मॉड्यूल बनाया था और आशा करूंगा कि ये मेरा मॉड्यूल आप सबको पसंद आया होगा और अधिक से अधिक इसको समझे जाने। थैंक यू, थैंक यू सो मच हिमांशु। जो आपका मॉड्यूल बनाया है आपने बीएड के विद्यार्थियों के लिए, किस तरह से बीएड के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, उसमें किस प्रकार की हमें मेथोडोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, आउटकम्स का प्रयोग करना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन रहा है बहुत ही इफेक्टिव था और जो आपने बनाया है वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो और किसी को अगर इस मॉड्यूल से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो हिमांशु से पूछ सकते हैं।
किसी को अगर कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है किसी के, तो थैंक यू सो मच हिमांशु, आज का आपका थैंक यू मैम। मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव रहा है, और ये जो हमारी लाइव क्लास है और आपकी जो लाइव क्लास में आपने प्रेजेंट करा है अपना मॉड्यूल, तो आशा करते हैं कि आने वाले जो आपके जूनियर्स होंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा हमारा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।